हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हीट, और इसका ये पार्ट सेकंड होगा क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया था। और कल की क्लास में मैंने आपको हीट की डेफिनेशन बताई और उसके माध्यम भी पढ़ाए, जिसमें मैंने आपको चालन, संवहन और विकिरण माध्यम पढ़ाया। उम्मीद करता हूँ कल की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और उसी क्लास को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो में हम जानेंगे हीट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ उसे शेयर करें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऊष्मा भाग दो यानी हीट पार्ट टू। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ऊष्मा के मात्रक जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि इसमें से डायरेक्ट फैक्चुअली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऊष्मा के मात्रक। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो प्लीज इसको ध्यानपूर्वक आपने सुनना है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। अतः ऊष्मा का एसआई मात्रक भी ऊर्जा के एसआई मात्रक की तरह जूल है। तो इसमें हमने यह जाना कि ऊष्मा का एसआई मात्रक आपका क्या है, जूल। पूछा गया क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी है। तो ऊष्मा का मात्रक क्या है आपका, जूल। परंतु व्यवहार में कैलोरी, किलो कैलोरी एवं ब्रिटिश ऊष्मीय मात्रक का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैलोरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ग्राम शुद्ध जल का ताप एक डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए ऊष्मा की मात्रा एक कैलोरी कहलाती है। उम्मीद करता हूँ ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। एक ग्राम शुद्ध जल का ताप एक डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा एक कैलोरी कहलाती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी भी कहते हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसको मैंने यहाँ अलग से नोट कर रखा है। एक कैलोरी बराबर आपका होता है 4.18 जूल, और एक जूल बराबर होता है आपका 0.24 कैलोरी, और एक किलो वाट बराबर होता है आपका 3.6 मेगा जूल। और एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पानी में कितनी कैलोरी एनर्जी होती, तो आपका होता है 0 कैलोरी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला पॉइंट है आपका ताप, तापमान, ताप या टेम्परेचर। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, आपको इसको ध्यानपूर्वक सुनना है। ताप वह एक भौतिक राशि है जिससे यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है। नॉर्मल डेफिनेशन है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुकी होगी। लेकिन इसके तीन मात्रक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आपका डिग्री सेल्सियस, दूसरा है आपका डिग्री फॉरेनहाइट, और तीसरा है आपका केल्विन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिग्री सेल्सियस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आपका सेल्सियस, जिसको हम कहते हैं सेंटीग्रेड पैमाना भी, तो इसकी खोज की है सेल्सियस ने 1742 ईस्वी में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो प्लीज आपने इसको ध्यानपूर्वक सुनना है। इसमें शुद्ध जल के हिमांक, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, अर्थात जमने के ताप, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग को शून्य डिग्री सेल्सियस, तथा क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट अर्थात उबलने को 100 डिग्री सेंटीग्रेड मानकर इन दोनों तापों के बीच के अंतराल को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट है आपका फॉरेनहाइट पैमाना, तो इसकी खोज कर रखी है आपका फॉरेनहाइट ने 1717 ईस्वी में। इसमें पॉइंट है, इसमें पानी के हिमांक को 32 डिग्री फॉरेनहाइट तथा क्वथनांक को 312 डिग्री फॉरेनहाइट मानकर बीच के अंतराल को 180 भागों में बांटा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका केल्विन पैमाना या परम पैमाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी खोज कर रखी है आपका लॉर्ड केल्विन ने 1852 ईस्वी में। इसमें पॉइंट है आपका, इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना गया है। इससे पहले भी मैंने उनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका इसमें है, इन दोनों के बीच की दूरी 100 बराबर भागों में बांटी गई है।
इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई में इसी पैमाने की मान्यता है, और ताप का एसआई मात्रक आपका केल्विन है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ताप का एसआई मात्रक आपका क्या है? केल्विन है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका परम शून्य ताप। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, और इसमें नेक्स्ट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक, न्यूनतम ताप या न्यूनतम संभव ताप। तो आंसर है आपका -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, और अक्सर इसको -273 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि न्यूनतम ताप कितना संभव है, तो आंसर है आपका -273 डिग्री सेंटीग्रेड। या परम शून्य ताप भी पूछा जाता है, तो आंसर में होगा आपका -273 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, तापमापी। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, ताप मापने वाले यंत्र को हम तापमापी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें डॉक्टर तापमापी। अक्सर हमको फीवर आने पे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसी का यूज करता है वो। तो डॉक्टर तापमापी, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो इसमें कुछ पॉइंट है, प्लीज ध्यान से आपने उसको सुनना है। इसमें मनुष्य तथा जानवर के शरीर का तापमान मापते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है इसमें पारा प्रयुक्त होता है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है। आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर तापमाप में किसका यूज होता है, तो पारे का यूज होता है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इसका परास 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 95 डिग्री फॉरेनहाइट से 110 डिग्री फॉरेनहाइट तक होता है, और इसका अन्य नाम है आपका ज्वर तापमापी। नेक्स्ट है आपका द्रव तापमापी। दोस्तों ये सिलेक्टेड पॉइंट ही हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो इसमें यूपीएससी में भी पूछे गए थे। तो सब इसमें नेक्स्ट है आपका द्रव तापमापी। तो इसमें पहला पॉइंट है इसमें पारा, जिसको हम क्या कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं, और जिसका सिंबल है एचजी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पारे का सिंबल क्या है आपका, एचजी या एल्कोहल, और एल्कोहल का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो C2H5OH आपका एल्कोहल यानी शराब का फॉर्मूला है, का प्रयोग करते हैं। पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम एसएससी और रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है आपका एल्कोहल -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, ये भी दोनों एसएससी और रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका ताप युग्म तापमापी, यह सीबेक प्रभाव पर आधारित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ताप युग्म तापमापी कौन से प्रभाव पर आधारित है, तो सीबेक प्रभाव पर आधारित है। इसमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप को मापते हैं। और लास्ट है आपका पूर्ण विकिरण तापमापी, इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला पॉइंट है यह स्टीफन नियम पर आधारित है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो पूर्ण विकिरण तापमापी कौन से नियम पर आधारित है, स्टीफन नियम पर आधारित है। इसमें 800 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमापन होता है। आज की क्लास का हमारा लास्ट पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो स्वस्थ मानव शरीर का तापमान। तो स्वस्थ मानव शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फॉरेनहाइट में 98.6 फॉरेनहाइट, और केल्विन में 310 केल्विन, कहीं कहीं पे इसको 310.15 केल्विन भी आता है। ये तीनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो प्लीज इनको आपने नोट कर लेना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास में मैंने आपको हीट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं, तो प्लीज़ आप ये वीडियो अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे साइंस का एक अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।